क्या है? ड्रिल मशीन के बारे में, देखिए ड्रिल के बारे में, ड्रिलिंग किया जाता है। ड्रिल जो होता है यह एक प्रकार का कटिंग, यह एक प्रकार का कटिंग टूल है और इसका भी प्रयोग क्या किया जाता है, गोल सुराख बनाने के लिए। देख लीजिए ये ड्रिल, आपको पता भी होगा, सारे लोग देखे भी होंगे। तो ड्रिल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? गोल आकार का सुराख बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिगर में आप लोग देख लीजिए, यह हाई कार्बन स्टील या हार्ड स्पीड स्टील के बनाया जाता है और हाई कार्बन स्टील के मुलायम धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हाई कार्बन स्टील के ड्रिल जो होते हैं, ये जो होते हैं मुलायम धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हाई स्पीड स्टील का प्रयोग ड्रिल कड़ी धातुओं के लिए किया जाता है, ठीक है, कड़ी धातुओं के लिए किया जाता है। ड्रिल के कटिंग भाग को हार्डनेस जो होती है ये 62 से 65 HR, यानी हार्डनेस जो होता है ये रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है। ये है ड्रिल। ड्रिल का भी प्रयोग जो होता है कटिंग टूल है और इसका प्रयोग जो होता है, बस ये क्वेश्चन आता है कि ड्रिल का प्रयोग किस लिए, तो ये गोल सुराख बनाने के लिए। ये किसका बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील के बना होता है, हार्ड स्पीड स्टील का बनाया जाता है। और इसकी हार्डनेस पूछ लेता है एग्जाम में, तो हार्डनेस याद लीजिए 62 से 65 तक होता है। अब देखिए इसमें फीड क्या होता है, अब इसमें कभी कभी दे देता है कि फीड क्या होता है। तो फीड जो होता है कि जो ऐसे मान लीजिए कि कोई गोल ड्रिल से हम लोग ने गोल किया, सुराग बनाया, लेकिन सुराग के साइज को बढ़ाने के लिए जो है उसको हम लोग फीड कहते हैं। जैसे एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर, एक पूरे चक्कर में जो है जॉब के अंदर जितनी दूरी आगे बढ़ता है उसको हम लोग फीड कहते हैं। मान लीजिए कि ये सुराग है, इस सुराग में ड्रिल अगर जितनी दूरी आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। फीड की दर बहुत अधिक होने पर रफ सुराग भी बन जाते हैं, ठीक है, ये फीड आता है। लिख लीजिएगा कि एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी आगे बढ़ जाता है उसे फीड कहते हैं। और फीड जो होता है, फीड की दर बहुत अधिक होने पर रफ सुराग बनते हो। अब देखिए एक आता है रीमर। रीमर भी क्या होता है, एक कटिंग टूल है। अब ड्रिल मान लीजिए हो गया है, ठीक है, हमने गोल सुराग बना दिया है, अब उसके साइज को बढ़ाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो रीमर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ये एक प्रकार का कटिंग टूल है, इसका प्रयोग किए हुए ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए और उसका साइज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साइज को थोड़ा सा बढ़ाने की क्रिया को रीमिंग कहते हैं, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें है नहीं, सबका फिगर देख लीजिए, रीमर का फिगर देख लीजिए, ये ड्रिल का फिगर देख लीजिए। दो और है, इसको भी पढ़ाई, जो टेप होता है यह भी एक क्या है, ये कटिंग टूल है। और कटिंग टूल आप देख लीजिए, ये जो है टेप का फिगर है, इसका प्रयोग जो किया जाता है चूड़ी काटने के लिए। आप देख लीजिए अंदरूनी जो पाइप वगैरह होता है उसके अंदर से जो चूड़ी काटा जाता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, टेप का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप ये नट वगैरह आप लोग देख सकते हैं, जो नट होता है, जो पाइप वगैरह होता है उसके अंदर में जो चूड़ी काटे जाते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं, टेप का प्रयोग करते हैं अंदरूनी चूड़ी काटने में। यानी अंदर की चूड़ी काटने में किसका प्रयोग करेंगे, टेप का प्रयोग करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसकी बॉडी को हार्ड या टेम्पर कर दिया जाता है किसी टूटे हुए टेप को बाहर निकालने के लिए। मान लीजिए कोई टूटा हुआ जो टेप है उसको बाहर निकालने के लिए पेचकस, स्टड एक्सट्रैक्चर्स या नोज प्लायर या कील निकलने वाले का प्रयोग किया जाता है। यह आता है एग्जाम में भी क्वेश्चन, यह आता है कि अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी अंदर की अगर चूड़ी काटनी होगी, ठीक है, पाइपों के अंदर की अगर चूड़ी काटनी होगी तो टेप का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी क्वेश्चन आता है, टूटे हुए टेप को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कील निकालने वाले का प्रयोग किया जाता है, नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है, पेच कस का प्रयोग किया जाता है। आप ये फिगर देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग सारे लोगों को, ठीक है, ठीक। अब आगे आगे ये डाई के बारे में देख लीजिए। डाई भी होता है, ये जैसे ये अभी कार्बन, ये अभी हाई कार्बन स्टील से बने,
कॉमन एंड टूल में सबसे एक चीज कॉमन ये होता है कि देखिएगा जितने भी आपके उपकरण होंगे अगर पूछता है कि किसका बने होते हैं तो ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। कार्बन स्टील आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार आया होगा। तो ये देखिए हाई कार्बन स्टील के भी बने होते हैं, बनाई जाती है। या खराब या जंग लगे वाली थ्रेड को ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि बहुत दिन से नट जो है मूर्छा लगा हुआ है, वो खुल नहीं रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? डाई नट का प्रयोग किया जाता है। ये डाई का फिगर देख लीजिए आप लोग। इसका प्रयोग जैसे पाइप के बाहरी में चूड़ी काटने के लिए, अगर बाहर अगर ऊपर मान लीजिए ये पाइप है, इसके ऊपरी भागों पर चूड़ी अगर काटना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ये आपका डाई का प्रयोग किया जाएगा। पाइप डाइड, पाइप जो डाई है, यह एक हस्तचलित उपकरण है, हाथ से चलाने वाला एक उपकरण है। तो आज जो हम लोग हैं, यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आता है कहीं, ये थोड़ा सा फास्ट लिख दिए हैं इसलिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोग फिगर देख लीजिए। आज जो है हैंड एंड टूल हम लोग का जो है वो समाप्त हो चुका, और आप लोग अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले क्लास में हम लोग विद्युत की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, वहीं से हम लोग का चैप्टर अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर पहले हो चुके थे, लेकिन जो है आप लोग अभी आए, जो अभी आए हैं क्लास जो ज्वाइन किए हैं, उनके लिए फिर से वो चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक एक चीजों को बारीकियों से आप लोग ध्यान से पढ़िए, और क्लास में जनसंख्या दिन को दिन बढ़ता जा रहा है, पूरी तरह से फुल हो गया है, तो आगे भी अब प्रैक्टिकल की तरफ भी बढ़ेंगे। दो या चार जो भी प्रैक्टिकल होगा, सीरीज और पैरेलल के प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, जो भी मोटर जनरेटर सेकेंड वायर वाले जो भी अभी आए हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी प्रैक्टिकल है। हाँ, डीआरडीओ को भी जिन बच्चों का एग्जाम निकल चुका है वो भी हमसे संपर्क कर लें, यहाँ फ्री क्लासेज हो रही है, फ्री प्रैक्टिकल की पूरी तरह से व्यवस्था है, आप आइए और उसका जो है प्रैक्टिकल का आप लाभ उठाइए, फ्री क्लासेज का लाभ उठाइए। मेरा यही कोशिश है आप लोगों से कि आप पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखिए। हमारे तरफ से एक सिंगल क्वाइंस पैसा भी एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ये फ्री क्लास उपलब्ध हो रहा है। आप लोगों का जो काम है वो सिर्फ यही है कि हमें प्यार दीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, इसके लिए थैंक यू।